Hello, everybody, welcome at Abhimanyu IS, the leader in the preparation for the UPSC and State Civil Services Examinations, which has so far produced more than 2200 selections in a time span of just 23 years. My name is Dr. H.S. Sidhu, I am IS, in Indian Economy and International Relations. I have been mentoring the civil services aspirants for more than 15 years, and I have authored many books also for the preparation of the UPSC and state civil services examinations. Before moving ahead, let me share an important piece of information with you. At Abhimanyu IS, we are commencing fresh batches for the preparation of the UPSC and state civil services preliminary and main examinations targeting 2023. 24. Uh, these courses will be available through both offline and online mode. We are providing seven days free trial class also. If you want to join, you may click on the link given in the description. And uh, apart from that, if anybody wants to join exclusively this Indian economy module, uh, he or she can do that also. Uh,

जो इम्पॉर्टेंट हैं फॉर द पर्पस ऑफ द यू पी एस सी एंड स्टेट सिविल सर्विस प्रलिमेंडरी एंड मेन एग्जामिनेशन उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं तो so, आज जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ डिस्कशन के लिए लिया है तो दैट इज़ ए कॉन्सेप्ट इंडियन इकोनमी एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज शेल कॉम्पनीज आई होप ऑल मस्ट द शेल कॉम्पनीज तो शेल कंपनीज़ बेसिकली एक तरह से वो कंपनीज होती हैं जो कंपनीज कुछ लेजिटिमेट बिज़नेस करने के लिए नहीं बनाई जाती उनके पीछे जो पर्पस होता है वो होता है जैसे टैक्स की चोरी करना या टैक्स से बचना या फिर मनी लॉन्ड्रिंग करना तो सो सच टाइप ऑफ पर्पसेस के लिए है जो ऐसी कंपनीज को बनाया जाता है सो दीज कंपनीज़ मोस्टली एग्जिस्ट ऑन पेपर एंड दे डोंट डू द लेजिटिमेट बिजनेस इन ए वे तो कुछ ऐसा होता है तो so, चलिए हम इस टॉपिक को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं uh, 2016 में आपने एक पनामा पेपर्स के बारे में ज़रूर सुना होगा पनामा पेपर लीक दैट हैपेंड इन द ईयर 2016. तो so, उसके अंदर क्या था कि जब वो पनामा पेपर की लीकेज हुई हुई तो क्या हुआ कि दैट मेड पब्लिक द फाइनेंशियल एंड ऑनरशिप डिटेल्स ऑफ ओवर टू लैक ऑफ योर शेल कंपनीज एंड अदर एंटिटीज सेटअप बाय ए लॉ फर्म फॉर देयर क्लाइंट्स तो पनामा पेपर की लीकेज से हमें ये पता चला कि पनामा के अंदर किसी लॉ फर्म ने अपने क्लाइंट्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली uh, टू लैख जो ऑप्शन जो शेल कंपनीज थी वो वहाँ पर रजिस्टर्ड करवा रखी थी एंड मैनी ऑफ दीज वर सेट सेटअप फॉर वेल्दी इंडिविजुअल्स पॉलिटिकली एक्सपोज परसन एंड सेंक्शनड पार्टीज ये जो कंपनीज uh, थी इनमें से बहुत सारी कंपनीज थी जो वो कुछ जो रिच लोग थे जो वेल्दी लोग थे उन उनकी कंपनीज थी या कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनकी कंपनीज थी या कुछ ऐसे पर्सन थे जिनके ऊपर इकोनॉमिक सेंक्शंस इम्पोज़ की हुई थी और उन लोगों ने फिर शेल कंपनीज बना के अपना काम स्टार्ट किया तो सेंक्शंस जैसे बहुत सारे जो लोग जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में या कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो उनके ऊपर समटाइम्स इकोनॉमिक सेंक्शंस इम्पोज कर कर दी जाती हैं उनके जो अकाउंट्स वगैरह हैं वो सीज़ कर दिए जाते हैं तो फिर ऐसे लोगों के लिए यू कैन से ओपनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना मुश्किल होता है दैन सच टाइप ऑफ पर्सनस यू कैन से अडोप्ट दिस रूट ऑफ शेल इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो दिस इज़ अबाउट द पनामा पेपर्स लीक केस तो नाउ डेफिनेशन ऑफ ए शेल कंपनी अब हम ये देखते हैं कि एक शेल कंपनी जिसे हम कहते हैं शेल कंपनी क्या होती है बेसिकली तो शेल कंपनी इज ए फार्म इन और ऑर्गेनाइज और रजिस्टर्ड इन द इकॉनमी बट डजेंट टेक पार्ट इन द इकोनॉमिक इकोमिकेशन सो ये इम्पोर्टेंट है कि एक शेल कॉम्पनी वो कंपनी होती है जिसकी रजिस्ट्रेशन जस्ट लाइक एक लेजिटिमेट कंपनी की तरह होती है जो कंपनी जेनुअन बिजनेस करने के लिए बनाई जाती है इसकी इनकॉर्पोरेशन इसकी रजिस्ट्रेशन वैसे ही होती है बट ये कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद कोई एक कोई जेनुअन इकोनॉमिक ऑपरेशन है जो ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती तो ऐसी कंपनी को हम शेल कंपनी कहते हैं ये डेफिनेशन ओ ने ल कंपनी की डेफिनेशन दी है तो दैट मीनस अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन शेल कंपनी एक वो कंपनी होती है एक वो फर्म होती है जिसकी इनकॉर्पोरेशन या फिर जिसकी रजिस्ट्रेशन है जो वो एज ए कंपनी की जाती है बट वो uh, किसी किस्म का कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, सॉरी किसी किस्म की कोई लेजिटिमेट इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो या लेजिटिमेट इकोनॉमिक ऑपरेशन है जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती तो ऐसी कंपनी को हम टेल कंपनी का नाम देते हैं एंड दूसरा है जो सेबी ने तो मीडिया के अंदर कई बार टेल कंपनी को डिफाइन करने की बात की है तो सैबी के अकॉर्डिंग क्या है कि एनी एंटिटी हैविंग नो सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल एसेट और बिजनेस एक्टिविटी ऑफ इट्स ओन बट एक्टिंग इन ए पास थ्रू कैपेसिटी एज ए कंड्यूट मे बी कॉल्ड ए शेल कंपनी तो सभी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो कहते हैं कि ऐसी कोई भी एंटिटी जिसका कोई सिग्निफिकेंट जिसकी कोई ऑपरेशनल एसेट नहीं होती या अपनी कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती ऐसी कंपनी जिसकी ना तो अपनी बिजनेस एक्टिविटी होती है ना कोई ऑपरेशनल एसेट होती है बट ये एक पास थ्रू कैपेसिटी एक काम करती है पास थ्रू कैपेसिटी में काम करती है पास थ्रू कैपेसिटी मीन्स के साचे कंपनी इज मेड टू फैसिलिटेट आइदर फॉर द पर्पस ऑफ द एवेज़न और फॉर द पर्पस ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग और टू हाइड द मनी अर्न फ्रॉम द ब्लैक मार्केट ओके मीन्स द इलेजिटिट एक्टिविटीज से जो हम पैसा अर्न करते हैं लोग तो उस पैसे को न से वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए जो ऐसी कंपनीज यू कैन से काम करती हैं सो सो दैट मीन्स ये वो कंपनी होती हैं जिनका अपना कोई जैनुअन बिजनेस पर्पज़ नहीं होता ये जेनुअन लैजिटिेट बिजनेस पर्पज़ नहीं होता ये सिर्फ़ एंड सिर्फ़ एक पास थ्रू एक एजेंट के तौर पर काम करती हैं जो फैसिलिटेट करती हैं इस चीज को मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन को जो फैसिलिटेट करती हैं सो ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं एक शेल कंपनी कहते हैं तो सिंपली ये शेल कंपनी इज एन एंटिटी दैट एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर विदाउट हैविंग एनी एसेट एसेबलिटीज और एम्प्लॉइज तो हम ये कह सकते हैं कि एक शेल कंपनी है जो वो एक ऐसी एंटिटी है जो कि सिर्फ और सिर्फ पेपर के ऊपर एग्जिस्ट करती है उसकी अपनी कोई एसेट नहीं होती अपनी लेबिलिटी नहीं होती और उसके अपने एम्प्लॉइज नहीं होते डेट मीन्स ये किसी दूसरे को फैसिलिटेट करने के लिए कंपनी बनती है और उसके लिए ही काम करती है ऐसी कंपनीज होती हैं। तो दे आर स्ट्रक्चर्ड लाइक ए कंपनी विदाउट एनी एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटी तो शेल कंपनी वो कंपनी होती है जिसको एक कंपनी की तरह स्ट्रक्चर किया जाता है अगर आप बाहर से देखते हो तो आपको लगता है दिस इज जेनुअन कंपनी दिस इज लेजिटिमेट दिस इज ए कंपनी मेड फॉर डूइंग द लेजिटिमेट बिजनेस बट एक्चुअल में उसकी कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती दो देर इज नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ शेयर कंपनीज द कंपनीज एक्ट नाइनटीन हमारे कंपनी हमारे कंट्री के अंदर जो कंपनीज एक्ट 1956 है जिसको बाद में 2013 में अमेंड किया गया है तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे लॉ के अंदर जो है uh, इसकी शेल कंपनी की कोई डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती है तो नाउ द नेक्स्ट इज दैट शेल कंपनीज को क्यों फॉर्म किया जाता है पर्पस क्या है शेल कंपनी बनाने का जैसे हम बात कर रहे थे कि ये जस्ट पास थ्रू एंटिटीज होती हैं जो किसी को फैसिलिटेट करती हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या टैक्स uh, छुपाने के लिए ऐसी कंपनीज को बनाया जाता है तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है दो शेल कंपनीज डोंट हैव एक्टिव बिजनेस ऑपरेशंस दे आर सेट अप टू अचीव स्पेसिफिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स दो शेल कंपनीज कोई अपना कोई इनका बिजनेस ऑपरेशन तो नहीं होता बट फिर भी अगर शेल कंपनी बनती है तो उसके बनाने के पीछे कोई पर्पस तो ज़रूर एग्जिस्ट करता होगा वो क्या ऑब्जेक्टिव है वो क्या पर्पस है जो एक शेल कंपनी को बनाने के पीछे एग्जिस्ट करता है पहला है दैट इज़ रिड्यूसिंग द टैक्स लेबिलिटीज ये जो टैक्स लेबिलिटीज़ हैं उनको रिड्यूस करने के लिए ये बनाई जाती हैं हम कुछ एक्टिविटीज़ किसी दूसरी कंपनी में दिखा में, में दिखा देते हैं जहाँ वहाँ से रूट कर लेते हैं तो ऐसे जो है टैक्स लायबिलिटीज को रिड्यूस करते हैं एन एंटिटी फ्रॉम द लीगल रिस्क ठीक कि किसी दूसरी एंटिटी को लीगल रिस्क से बचाने के लिए हम शेल कंपनीज को आगे कर देते हैं रेजिंग कैपिटल कैपिटल रेज करने के लिए होती है लॉन्ड्रिंग मनी हाइडिंग बेनिफिशियल ऑनरशिप फ्रॉम लॉ एनफोर्समेंट और सरकोवेंटिंग सेंक्शंस मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग एक वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू कोई भी व्यक्ति जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो वो इन सोर्स से अर्न किए हुए मनी को लेजिटिमेट मनी में कन्वर्ट करती है तो उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी कहते हैं एंड नेक्स्ट क्या है आई थिंक ऑनरशिप फ्रॉम लॉ एन्फोर्समेंट तो किसी ट्रांजैक्शन का बेनिफिट किसको मिल रहा है एक्चुअली उस रियल बेनिफिशियरी को छुपाने के लिए ये ऐसी कंपनीज बनाई जाती हैं और सरकोवेंटिंग सेंक्शंस या फिर जिसके ऊपर सैंक्शंस इम्पोज़ की होती हैं तो ऐसे लोग हैं जो वो अपनी सेंक्शंस के चलते हुए कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए ऐसी कंपनीज को फॉर्म करते हैं ये शेल कंपनी मे बी डूइंग ए लेजिटिमेट और इन लेजिटिमेट ट्रांजेक्शन्स तो एक शैल कंपनी वो कंपनी होती है जो कई बार देखने से ऐसा लगता है कि वो एक लेजिटिट ट्रांजेक्शन्स कर रही हैं जैसे हम देखते हैं रिड्यूसिंग टैक्स लेबिलिटी टैक्स अवॉयडेंस इज नॉट ए क्राइम यू नो टैक्स अवॉइडेंस इज नॉट ए क्राइम एवरीबडी कैन और हेज द राइट टू प्लान यू कैन से दिस टैक्स लेबिलिटी इन सच ए वे ओके सो दैट ही में रिड्यूज द लेबिलिटी ऑफ द टैक्स तो ये होता है एंड दिस रेजिंग कैपिटल जो होता है कैपिटल रेज करना भी कोई इलेजिटिट uh, एक्टिविटी नहीं है हाँ इनजिटिट एक्टिविटी क्या है ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गया बेनिफिशियल ऑनरशिप को छुपाना हो गया ये इन एक्टिविटीज में होता है सो वी कैन से जैसे मैंने बोला था कि कोई इनका कोई लेजिटिमेट परपज तो नहीं होता बिजनेस करने का आ, बट सम टाइम्स क्या होता है कि ये कुछ ऐसी लेजिटिमेट एक्टिविटीज करते हैं जिनके पीछे दो मकसद क्या होता है वो मकसद है जो दैट इज नॉट द लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव लेजिटिमेट परपज तो नहीं होता बट ऊपर देखने को हमें लगता है कि दिस इज द लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव और दिस इज द्रांजेक्शन विच ए कॉम्पनी इज डूइंग ऐसा रहता है तो उसके पीछे जो जो वीक एंड से इंटेंशन होती है इंटेंशन रिमेन्लाफुल तो दैट इज द पॉइंट देयर एंड वाई शेल कॉम्पनीज आर फॉर्म्ड वही चल रहा है कि शेल कॉम्पनीज की फॉर्मेशन जैसे हमने पिछले स्लाइड पर किया था कि इन सब पर्पजेस के लिए हम शेल कंपनीज की फॉर्मेशन करते हैं टैक्स लेबिलिटी रिड्यूस करने के लिए किसी एंटिटी को लीगल रिस्क से बचाने के लिए कैपिटल रेज करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बेनिफिशियल ऑनरशिप को छुपाने के लिए एक्सेट्रा भारत के अंदर बहुत सारी शेल कंपनीज ऐसी हैं जिनकी फॉर्मेशन जीएसटी फ्रॉड करने के लिए की जाती है मींस जीएसटी की लेबिलिटी से बचने के लिए जिसकी फॉर्मेशन की जाती है ओके तो कैसे बचते हैं वो इनपुट क्रेडिट्स लेते हैं जैसे किसी शेल कंपनी से वो आ, शेल कंपनी एक सॉर्ट ऑफ द इनवाइस रेज करती है एंड लेट सपोज दिस इज ए कंपनी ए कंपनी इज ए कंपनी एंड दिस इज बी कंपनी विच इज़ ए शेल कंपनी ओके तो ए कंपनी क्या शो करेगी कि इसने ये जो गुड्स हैं इसने बी कंपनी से परचेज की हैं एक इनवाइस रेज हो जाएगी ओके बट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ गुड्स विल नॉट टेक प्लेस सो देन इस के ऊपर जो भी टैक्स लगेगा बी कंपनी की तरफ से तो उसका ए कंपनी क्या क्या करेगी इनपुट क्रेडिट ले लेगी दो एक्चुअल जो प्रोडक्शन है वो ए कंपनी ने ही की है बी कंपनी का इसमें कोई रोल नहीं है बी कंपनी की तरफ से सिर्फ एक इन्वाइस रेज की गई है जस्ट टू टेक द इनपुट क्रेडिट ओनली सो इस तरीके से जो जीएसटी uh, का जो यू कैन से इवेजन करते हैं लोग सच फ्रॉड्स रन इन टू थाउजेंड्स ऑफ ऑफ रुपीज हमारे कंट्री के अंदर ऐसे फ्रॉड हैं जो वो थाउजेंड्स ऑफ करोड के चल रहे हैं सेबी हैज़ फ्लैग्ड हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज फ्रॉम द लिस्टेड मार्केट सो ऐसी तीन uh, सौ से ज्यादा कंपनीज हैं जो सेबी ने जो फ्लैग की हैं जो कंपनीज एक्चुअल में शैल कंपनीज हैं बट दोज कंपनीज आर

शेल कंपनीज के बढ़ते हुए ट्रेंड को रोकने के लिए हमारे पीएमओ की तरफ से एक टास्क फोर्स ऑन शेल कंपनीज फॉर्म की गई थी इन द ईयर 2017 इट हैज़ बीन सेट अप अंडर द ज्वाइंट चेयरमैनशिप ऑफ द रेवेन्यू सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी एम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स तो ये जो ये जो टास्क फोर्स है शेल कंपनीज के ऊपर इसकी चेयरमैनशिप ज्वाइंट चेयरमैनशिप है रेवेन्यू सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ये इसके चेयरमैन रहते हैं आइडेंटिफाइड मोर देन थाउजेंड कंपनीज बीन एज शेल कंपनीज इन इंडिया तो टास्क फोर्स की तरफ से अब तक थाउजेंड से ज्यादा कंपनीज ऐसी कंपनीज ऐसी एंटिटीज के तौर पर कंफर्म की गई हैं जो कि शेल कंपनीज हैं तो ये है शेल कंपनीज के बारे में कि शेल कंपनी क्या होती है शेल कंपनी क्यों बनाई जाती है तो ऑब्वियसली जब एक शेल कंपनी बनेगी तो शेल कंपनी का ये बनने से क्या होगा नंबर वन जो जो एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो उनको सपोर्ट मिलती है आ, ऐसी एक्टिविटीज़ में इंक्रीज होती है बिकॉज इट बिकम्स ईजी to transact the money from one source to the another source, so ऐसी okay. चीज़ें जब होती हैं तो फिर इससे जो एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स को सपोर्ट मिलती है एंड टेरोरिस्ट एक्टिविटीज़ हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ हैं जो ट्रांजेक्शन ऑफ मनी फॉर द इलीगल परपजस तो ऐसी चीज़ें प्रमोट होती हैं दूसरा क्या होता है कि स्टेट को ऑब्वियसली रेवेन्यू का लॉस होता है और जब स्टेट को रेवेन्यू का लॉस होगा तो दैट मीन्स स्टेट विल हैव टू डू कंप्रोमाइज ऑन द वेरियस वेलफेयर मेजर्स एंड पॉवर्टी वोंट भी रिजॉल्व्ड एंड देन दिस एम्प्लॉयमेंट वोंट भी जनरेटड तो इकनॉमिक ग्रोथ को भी अफेक्ट करती है ऐसी चीज़ें सो दैट मीन्स ओवरऑल द कल्चर ऑफ Uh, forming the shell companies is not good is not in the interest of the nation in the interest of the uh, state or in the interest of the society in the interest of the genuine citizens so this is all about the shell companies I hope this is clear to you so thank you very much all the best so next time ek naye topic ke sath phir thank you very much